हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट है कि अगर आप लाइफ में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं तो उस हैप्पीनेस से पहले आपको अपनी लाइफ में एक गुण लाना होगा, एक गुड हैबिट क्रिएट करनी होगी और वो हैबिट है सेटिस्फैक्शन की हैबिट। दोस्तों, बहुत बार ये देखा गया है कि हमारे पास बहुत कुछ होता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं हमारे आसपास के कई लोगों से जिनके पास शायद वो भी नहीं है जो आज हमारे पास में है, लेकिन फिर भी अगर हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, अगर हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन को क्रिएट करने की हैबिट नहीं है, तो उसकी वजह से कि बहुत कुछ होने के बाद भी हम दुख में ही रहते हैं। लेकिन वो लोग जो बहुत कम संसाधनों के होते हुए भी सेटिस्फाइड होते हैं, वो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। सो खुशी को पाने के लिए सेटिस्फैक्शन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रयास नहीं करेंगे। हमें प्रयास निरंतर करते रहने हैं, लेकिन उन प्रयासों को करने के साथ साथ सेटिस्फाइड रहना है। अगर कोई प्रयास करने के बाद उससे अचीवमेंट नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से खुद को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, खुद की हैप्पीनेस को खराब नहीं करना है। सेटिस्फैक्शन के साथ किए गए जो प्रयास होते हैं दोस्तों, उनकी जो सक्सेस रेट होती है वो भी बहुत ज्यादा हाई होती है। सो मेक श्योर कि आज से ही अपनी आदत बनाएं, जो भी हमारे आसपास है उन्हीं चीजों के साथ, उन्हीं रिश्तों के साथ हम सेटिस्फाइड होने की कोशिश करें, ताकि हम अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को हर रोज बढ़ा सकें। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग है, क्योंकि चैनल के नीचे बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर, आप फेस की स्किन के बारे में बात कर चुके हैं, हम बॉडी की स्किन के बारे में बात कर चुके हैं, हमने इवन प्राइवेट पार्ट्स के आसपास की स्किन के बारे में भी बात कर ली, लेकिन वॉट अबाउट द बट? हमारे जो हिप्स, जो बहुत बार बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी काले ही रह जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाने के बाद भी हमें उनके अंदर जो स्किन लाइटनिंग इफेक्ट चाहिए वो नहीं मिलता है। सो प्लीज़ कोई टिप शेयर करें। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक नेचुरल जो घर में बनने वाली जो एक टिप है वो भी शेयर करूँगा, और साथ के साथ में एक बेहतरीन प्रोडक्ट से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, जो अपने आप में बहुत सारे नेचुरल इंग्रीडियंट्स को मिला करके बनाया गया है और प्रूवन है कि ये हमारी जो बट की स्किन है, जो हमारे हिप्स की स्किन है, हमारी जो कूल्हे की स्किन है, उसको लाइटनिंग इफेक्ट दे करके बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा शेप में लाने में हमारी मदद करेगा। सो देर किस बात की है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमाथेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं अपने बट्स की, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हम बहुत कुछ ट्राई करते हैं फिर भी बट की स्किन पर हमें रिकवरी क्यों नहीं मिलती है। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि जो हमारी बट एरिया होता है उसे जनरली हम अपने पूरे दिन के रूटीन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, मैं बैठ करके यहां शूट कर रहा हूं, लेकिन जिस मसल पर मैं बैठा हूं, जिस एरिया पर मैं बैठा हूं, वो मेरा बट एरिया है, और रेगुलर यहां पर हीट क्रिएट होती है, और इस हीट की वजह से यहां पर जो कोशिका होती हैं, जो सेल्स होते हैं, वो बाकी एरियाज के कंपैरिजन में जल्दी डेप्रिशिएट कर जाते हैं, जल्दी डैमेज होने लगते हैं, जल्दी अपना जो रिकवरी जो साइकिल होता है उसको पूरा किए बगैर ही मर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डार्कनेस आने लग जाती है। बहुत बार बहुत सारे लोगों की स्किन यहाँ पर ड्राई हो जाती है, क्योंकि हम फेस पर बहुत सारा फेस लोशन या बॉडी लोशन लगाते हैं, लेकिन बट एक ऐसा एरिया होता है, हम नहा के निकलते, तुरंत रनवियर पहनते हैं और अपने रूटीन में चले जाते हैं। सो इसकी वजह से भी हमारे यहाँ पर ड्राइनेस बढ़ती है, की वजह से हमें यहां पर डार्कनेस बहुत ज्यादा बार मिलती है। बहुत सारे लोगों को फंगल इंफेक्शन हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को एक्ने आ जाते हैं, और वो एक्ने और फंगल इंफेक्शन तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके निशान यहां पर रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बट्स जो हैं वो काले हो जाते हैं। सो बहुत कुछ करने के बाद भी जब ये ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हमें इस्तेमाल करने चाहिए घर के कुछ DIYs को, लेकिन घर के जो DIYs हैं वो हमें रोज करने होंगे। रोज मतलब रोज, जैसे हम रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, वैसे इस DIY को भी रोज करना होगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो वर्किंग है वो इस DIY को शायद ना कर पाए, तो उनके लिए मैं पहले आपको एक रेडी टू यूज प्रोडक्ट बता रहा हूं, फिर हम चलेंगे DIY की तरफ। तो अगर आपको अपनी स्किन को बट लाइटनिंग करना है, बट्स को आप फॉर्मनेस देना चाहते हैं, बट्स को आप एक प्रॉपर शेप में लाना चाहते हैं, तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए
बेयर बॉडी का ये बम क्रीम का जो ये बम क्रीम है ये चार बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर के बनाया गया है, जिसमें आता है कॉफी, योगर्ट, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट एंड हनी। इन चारों के अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि प्रूवन है मॉडर्न साइंस के अंदर भी कि वो हमारी बट स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट देंगे, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैंडलिक एसिड, कोकोनट ऑयल एटसेट्रा। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी के अंदर मैं हमेशा आपको बहुत सारे वीडियोज़ में भी बताता हूँ कि उसके अंदर होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हमारी स्किन के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारी सेल रिजुविनेशन का जो टर्नओवर है वो बढ़ता है और हमारी स्किन जो है वो रेगुलरली रिजुविनेट करना शुरू कर देती है। योगर्ट की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड अपने आप में स्किन लाइटनिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है, तो योगर्ट जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इस क्रीम को पावरफुल बनाने के लिए। नंबर तीन जो इंग्रेडिएंट आता है दोस्तों वो आता है ऑरेंज एक्सट्रैक्ट। ऑरेंज एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि ये आपकी स्किन के अंदर जितनी भी स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज हैं या एंटी मेलानोजेनेसिस प्रॉपर्टीज हैं उनको बेहतर बनाने में, उनको और ज्यादा इनहांस करने में हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से हमारे बट की स्किन पर जो मेलानिन बनने की जो स्पीड थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है और हमारी स्किन अपने आप ही धीरे धीरे रिजुविनेट करना शुरू कर देती है। नंबर फोर और जो लास्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर आता है वो आता है हनी। हनी एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, जिसकी वजह से यहां पर जो ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है, जो फंगल इंफेक्शन क्रिएट हो जाता है उसको यहां पर ये रोक देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन नेचुरली हाइड्रेटेड दिखती है और हमारी स्किन में फर्मनेस भी आती है। बेयर बॉडी की जो बम क्रीम है इसे आपको कम से कम दिन में दो बार जरूर ट्राई करना चाहिए। सुबह नहाने के बाद आप थोड़ी सी क्रीम लीजिए और इस थोड़ी सी क्रीम को लेकर के अपने बट्स पर अच्छे से मालिश कीजिए 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि आप उस एरिया पर इस क्रीम को बहुत इजीली एब्जॉर्ब करा सकें, ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट इस क्रीम को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं जो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है वो बहुत ईजीली हमारी बट स्किन में अंदर जा करके अपना काम करना शुरू कर दें। और रात को जब आप ऑफिस से आ जाते हैं या जब अपने बेड पर जा रहे हैं उससे पहले भी अपने वेट वाइप से या किसी भी कॉटन को गीला करके आप अपने बट्स को क्लीन कर लीजिए और उसके बाद में आप इस क्रीम को लगा करके अच्छे से मालिश करके सो जाइए। आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है बेयर बॉडी बम क्रीम से। सो मेक श्योर कि इसे अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। इसे परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नेचुरल DIY की, कि नेचुरल क्या तरीका है जिससे हम अपने बट्स को नेचुरली रिकवर कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें इस लोशन को बनाने के लिए या इस पैक को बनाने के लिए चार चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहली जो चीज़ चाहिए दोस्तों वो हमें चाहिए यहाँ पर आलू। सो आलू को आप कद्दूकस कर लीजिए और आलू का कद्दूकस किया हुआ जो पार्ट है उसको आप अपने कटोरी में इकट्ठा कर लीजिए। ये जो आलू होता है इसके अंदर बहुत सारी मात्रा में स्टार्च होता है। स्टार्च होने की वजह से ये हमारी स्किन के अंदर लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। सो लगभग एक मीडियम साइज का जो आलू है वो हर रोज करने के लिए आपके लिए काफी रहने वाला है। नंबर दूसरा जो इंग्रेडिएंट आता है दोस्तों वो आता है यहाँ पर कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर जो है वो नेचुरली हमें एंटीऑक्सीडेंट्स देता है एंड नाइट्रिक ऑक्साइड गैस देता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है, जो बम की स्किन है, वो बहुत अच्छे से रिजुविनेट करना शुरू कर देती है। तो एक चम्मच हमें यहाँ पे कॉफी पाउडर ऐड करना है। नंबर तीन हमें यहाँ पर ऐड करना है शहद। शहद जो है वो नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, जिसकी वजह से हमारी स्किन की डिहाइड्रेशन कम होती है। तो 1 से 1.5 चम्मच हमें यहाँ पे शहद ऐड करना है। एंड नंबर लास्ट आता है हमारा मिल्क पाउडर, जिसके अंदर हमें मिलता है लैक्टिक एसिड, जो कि हमारी स्किन को नेचुरली लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट देने में मदद करता है। वो भी हमें यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 चम्मच मिलाना है। इन चारों चीजों को अच्छे से मिला लीजिए, एक स्मूथ सा आपका एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। इसे बट्स पर लगाइए और अच्छे से मालिश कीजिए। लगभग 10 से 15 मिनट के लिए आपको एक बट को देना पड़ेगा तभी जाकर के, क्योंकि नेचुरल चीज है ना, तो इसे आपको रिजल्ट्स मिलने में टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको कम से कम 10 से 15 मिनट एक एक बट पर मालिश करनी है और फिर अच्छे से आप इसे वॉश कर दीजिए और कोई भी एक माइल्ड मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। सो इस प्रोसेस को आपको रोज करना है। जब आप इसे रोज करेंगे 15 से 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, तो आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन इसे आपको तब तक करते रहना है जब तक कि आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको नहीं मिल जाते। सो मेक श्योर कि इसे अपनी हैबिट में एक ज़रूर लेकर के आएँ, और जब हैबिट में आएंगे और जब आपको लगेगा कि हाँ आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस आपका अपने आप ही बूस्ट हो जाता है।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये जो नेचुरल ब्यूटी टिप जो मैंने आपको दिया ये आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर लें, और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।